आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रात्रि ब्लॉग्स में। तो जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में प्रिपरेशन दिखाई थी छठ पूजा की, इस वीडियो में हम आपको सेलिब्रेशन दिखाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे घर पे प्रसाद बन रहा है जिसका नाम है ठेकुआ, जिसके लिए पहले से ही बुकिंग हो जाती है और ये प्रसाद घर में सबसे पहले खत्म होता है। उसके बाद हम जब घाट पे पहुंचते हैं शाम को तो हम देखते हैं कुछ लोग ऑलरेडी पानी में जा चुके होते हैं, बट राग प्रिय मदर्स मॉर्निंग टाइम पे पानी में जाती हैं। बट इसी बीच रागनी की कुछ पंक्तियां स्टार्ट हो गई। कितनी एनॉइंग है ये। आप लोग देख सकते हो कि लोगों ने पानी में उतरना शुरू कर दिया है और ये शाम का टाइम है। कितना प्यारा सीन है ना, कितने प्यार से घाट को सजा रखा है। और वो जो बैठी है वो मेरी सिस्टर है, शी इज प्रेइंग। और वो आप देख सकते हो ग्रीन साड़ी में, मेरी मदर है, इवन मेरी फ्रेंड की मदर भी ग्रीन साड़ी में है। वापस आने के बाद हमारे कुछ खाने का मन हुआ, हमने गोलगप्पे का, हमने देखा कि वहाँ भी मैच चल रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप जो था, सारे इंडियंस के अंदर जो एक्साइटमेंट जो थी, बट हमें अच्छा नहीं लगा कि इंडिया हार गई, बट कोई नहीं। और समोसे भी खाए हमने, उसके समोसे की शॉप पे भी फोन में भैया चला के बैठे हुए थे। हाँ, कितनी एक्साइटमेंट थी ना मैच की भी। नेक्स्ट डे सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह सुबह हम लोग कलश लेकर निकल पड़े हैं, कहाँ के लिए, घाट के लिए जहाँ पर हम कल पूजा करके आए थे। और ये देखिए आप, रास्ते में मैं टोकरी अपने सर पे लेके जा रही हूँ जिसमें छठ पूजा का प्रसाद होता है, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड रागनी भी है, वो रेड स्टॉल में मेरी मदर है और वो आगे वाली रागनी की मदर है। ये सुबह की 4 बजे हम निकले हैं, बट इससे भी पहले लोग घाट पर आके बैठ जाते हैं लाइक 2 बजे 3 बजे, जहाँ पे उनने पूजा की होती है। अगले दिन भी वो लोग उसी स्थान पर बैठकर पूजा करते हैं। आप देख ही सकते हैं सीन को, कितना प्यारा लग रहा है ना, लाइटनिंग, डीजे, सब चीज का अरेंजमेंट होता है और सबने दीप जला दिए हैं, तो इट्स गिव अ फील लाइक दिवाली ऑल्सो। उसके बाद अपनी मदर को वहां पर छोड़ के आने के बाद हम लोग रोड पे आके पार्क के पास पंक्तियां कर रहे थे, रील बना रहे थे, बट आप देख सकते हैं रागनी ने उसे खराब कर दिया और मेरा मुंह बन गया। बट हम फिर हमने और भी मस्ती की। उसके बाद मेरा दोस्त आता है मैगी जैसे बालों वाला, जिसे मैं प्यार से जीते बोलती हूँ, इज माई स्कूल फ्रेंड। और वो उस साइड वाली मेरी फ्रेंड शालू है, इनको मैं जरूर बुलाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ कहीं भी जाना, एंजॉय करना। आफ्टर देन मैंने किए बजरंगबली के दर्शन, और इससे भी अच्छा काम मैंने करा, बजरंगबली के स्वरूप में हमने खिलाया बंदरों को केले। और जिस बंदर को मैंने बनाना खिलाया ना, उसके उन्होंने नाक पे और मुंह पे चोट लगी थी, मुझे बहुत दुख हुआ। बट उसके बाद मेरे भाई को भी खिलाना था, तो उसने इस बंदर को दिया जो मेरे साइड से गया और मैं डर गई। उसके बाद हम लोग घाट पे सूर्य देव को अर्घ देकर वापस आने लगे। गाइस, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना। और आपको हमारी इंस्टा आईडी फॉलो करनी हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारी रील्स को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू।